भैया बात तो ये इधर आ। उड़ा दो साले को। रुको रुको, पहले मुझे कुछ बात करनी है। देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं इसके साथ धक्का मत। भैया भैया मैं उसे नहीं जानती, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ पहले मेरी बात सुन ले, तेरी बहन और मेरे बीच कुछ नहीं है, समझा? बात करने दो। भैया मेरी बात पर यकीन कीजिए भैया। गोली मार दूंगा, ये ले मार दी। अरे नरसिम्हा सब ठीक तो है ना? हाँ भाई साहब कहाँ? वो ऊपर नहा रहे हैं। ए, यही रुको, मैं आता हूँ। बाथरूम के अंदर मत जाना, डर जाओगे। भाई नमस्ते। ओरे तुम हो? काम हो गया भाई। और यही है वो होम मिनिस्टर आदिकेशव। तुमने खुश कर दिया मुझे। बोलो नरसिम्हा तुम्हें क्या चाहिए, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी या फिर आलीशान फ्लैट? ये सब नहीं चाहिए भाई। फिर क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चाहिए क्या? सीट चाहिए। कॉलेज में? असेंबली में। असेंबली में? अरे कोई खिलौना है क्या, खरीदा और तुझे दे दिया? मेरे बेडरूम में आने दिया तो क्या तुझे असेंबली में बुलाकर मेरी जगह बिठाऊंगा क्या? भाई मैं आपका वफादार हूँ। बस बहुत हो गया, राजनीति में आने के लिए सिर्फ ताकत नहीं दिमाग भी चाहिए। ऑपरेशन करने वाली छुरी से मर्डर कर सकते हैं, लेकिन मर्डर करने वाली छुरी से ऑपरेशन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? तेरा अगर इतना ही मन कर रहा है तो अंदर एसी रूम में मीटिंग चल रही है, पास दे देता हूँ, जाके देख ले। एमएलए मतलब पोजीशन नहीं, पावर है। पावर को हैंडल करना मर्डर करने जितना आसान नहीं है।
देख तू मेरी बात सुन, तू सिर्फ मर्डर करने के लायक ही है, चल जा। आपने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाया तो क्या फर्क पड़ेगा, मर जाऊंगा ना, चलेगा। खून की किडनैपिंग की क्यों? मेरी एमएलए बनने की ख्वाहिश थी इसीलिए, लेकिन वो चाहता मैं बस हमेशा के लिए सिर्फ उसका गुलाम बन के रहूं, तलवे चाटता रहूं। भाई होम मिनिस्टर आए हैं। सर नमस्ते सर। नरसिम्हा तू अभी भी गुस्से में है क्या? भाई आपसे कैसे गुस्सा हो सकते हैं, आप फोन करते तो भाई खुद आ जाते हैं। हाँ? ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ये मेरी कितनी इज्जत करता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फोन कर देते तो मैं ही आ जाता। जानता हूँ इसीलिए तो आया हूँ, चलो चलो। अरे बैठो। नहीं भाई। दो दिन से काफी सोचा मैंने, राजनीति में अपनों के लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया, और तू भी मेरे लिए अपनों से कम थोड़ी है, इसलिए तुझे सीट देने का फैसला किया है। क्या सोच रहे हो, उस वक्त मैंने तुझे कुत्ते की तरह भगा दिया और आज तुझे सीट देने के लिए राजी हो गया? इसकी वजह है मेरा बेटा। हे भगवान, ये तो पागल हो गए। देखिए ना इसने क्या किया। रुको, अंदर मत आना। ये तो क्या कर रहा है? ये है अजय, होम मिनिस्टर साहब का बेटा और उनकी कमजोरी। जो ये चाहता है वो इसे ना मिले तो ये कुछ भी कर सकता है। मुझे पूजा चाहिए, नरसिम्हा की बहन पूजा चाहिए। चाहिए कहा, मतलब कुछ गलत मत समझना नरसिम्हा। शादी करवाऊंगा तो तेरी बहन से ही करवाऊंगा, नहीं तो पता नहीं वो जिद्दी कुछ भी कर सकता है। एक ही औलाद है मेरी, क्या करूं? उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, मेरी कमजोरी है वो। अगर तुझे कोई एतराज नहीं है तो तेरी बहन को मैं अपनी घर की बहू बनाना चाहता हूँ, और वैसे भी वो एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं ना। क्या हुआ, मंजूर नहीं है? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, जरा घर वालों से पूछ लेता। ठीक है ठीक है, होम मिनिस्टर से पूछे बिना सीएम भी कुछ नहीं कर सकता, जाओ जाओ। अरे मुंह क्या देख रही है, जल्दी से खाना दे, दो दिन से भूखा हूं। भाई अंदर क्या कर रहे हैं? बिरयानी ठूस रहा हूं मैं। साहब। हाँ बोलो। अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर आपको खबर करता हूँ। शाबाश, तुझे एमएलए ही नहीं मिनिस्टर बनवा दूंगा। लेवल चाहिए ना। जानता हूँ, चलो मिलते हैं। लेकिन नरसिम्हा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं नहीं होगी। चलता हूँ। कौशल्या, कौशल्या क्या हुआ? कौशल, मेरी लाडली बहन कहाँ है? पर पहले आप पूजा से तो पूछ लीजिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, वो मेरी बहन है, कहाँ है वो? पूजा जिंदगी को खुल के जीना चाहती है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भाई भाभी ही उसके लिए सब कुछ है। भाई की बात को कभी टाल नहीं सकती, ये उसकी कमजोरी। थैंक्स। हाय पूजा। पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। 36 रोल नंबर है? सीरियल नंबर। मुझे तुमसे कुछ कहना था, ये लाइन बोलने वाले तुम इस कॉलेज के 36वें इंसान हो। पूजा पूजा सुनो तो, पूजा मेरी बात तो सुनो। वैसे मुझ में क्या कमी है? पैसा है, एक लौता बेटा हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास। आई नो शेखर, तुम मिस्टर परफेक्ट हो। वैसे तुम्हारी होने वाली बेबी बहुत लकी होगी। लेकिन मेरा होने वाला पति कैसा होना चाहिए ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। ठीक है, कैसा होगा वो? वो 6 फुट का होगा। दस दस को अकेले मारेगा। शाहरुख की तरह डिंपल्स होंगे और उसके होंठ बिल्कुल। तुम पिक्चरें बहुत देखती हो ना पूजा?
अब पूजा जरा मेरी बात तो सुनो। ए कौन है तू? मेरे भैया। कॉलेज में हीरो बनने आया है। आई एम सॉरी सर। क्यों? पूजा और मैं। ए सर जरा इसको ट्रेलर दिखा। सर सर मेरी बात तो सुनिए। मैं जानता हूँ तू मुझे कभी मना नहीं करेगी, इसीलिए होम मिनिस्टर के बेटे से तेरी शादी थी। बहुत बड़े घर की बहू बनने वाली है तू। तेरी वजह से मेरा एमएलए बनने का सपना सच होने वाला है। पूजा लेक्चर का टाइम हो गया है। ओ तू क्लास अटेंड कर। अरे क्या कर रहे हो? मेरी बहन की शादी होम मिनिस्टर के बेटे से तय हुई है। अब अगर कोई बीच में आया ना तो उसकी खैर नहीं। नीचे उतरो। आमतौर पर ऐसे वक्त में सब लोग ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपना हीरो अच्छी तरह जानता है कि ताकत कहाँ इस्तेमाल करनी है और दिमाग कहाँ इस्तेमाल करना है। थोड़ा तेज चलाइए ना, वो लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। अरे तो भर के आना चाहिए ना। अबे गधे, तू मुझे सिखाएगा क्या? नीचे उतर। ए, सुन बे। लड़की को यहाँ भेज। ये आदमी की शक्ल में डायनासोर कौन है? ये लोग मेरे पापा के पास बॉक्सिंग सीखते हैं। एक काम कर, तू इन लोगों को संभाल, मैं पेट्रोल लेके आता हूँ। अरे वो इतने सारे। तो एक काम कर फिर कल्टी मार। मतलब? अरे भागना। ए, पकड़ा उन लोगों को। इस तरफ, इस तरफ। तुम ठीक तो हो ना? चलो चलो। कौन किसको बचा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम ठीक तो हो? ले जाओ। बाहर आ जाओ, वो चले गए। अबे उल्टा क्या कर रहा है? सीधा हो जाओ। जल्दी करो। क्या टाइम वेस्ट कर रहा है? टकला फिर से आ गया। इतने सारे लोगों से लड़ने से अच्छा उस टकले से जाकर निपटते हैं। चल। ये डायनासोर तो अपनी वाट लगा देगा, इसको बाद में देखता हूँ। छोड़ मुझे कमीने, छोड़ दे। हमें एक्शन में रोमांस क्यों कर रहे हैं? थप्पड़। मुझे भी चोट आ रहा है। अगर बचना है तो अलग भागना होगा। एक काम करो, तुम लोग इस तरफ भागो, मैं उस तरफ भागता हूँ। अगर बच गए तो हम लोग सीधा नाके पर मिलेंगे। हाँ ठीक है। मैं इस तरफ भागने वाला हूँ, मेरा पीछा करो। Thank you.
अरे रे, गलत फ्लोर पर चला गया। रिक्शा खाली है क्या? हाँ खाली है। चल ठीक है। बच गया। चल जल्दी इस तरफ। अच्छा। अरे भाई मैंने इसको पकड़ लिया, जल्दी आओ। क्या कह रहा है, छोड़ो। मैंने इसको पकड़ लिया भाई। आदमी को पीछे से नहीं पकड़ते। मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाल दिया भाई। ये हुई ना बात। चल अब निकल यहाँ से। शुक्रिया भैया। शुक्रिया बाद में करना, अब चलो जल्दी ढूंढो उन्हें। जीजाजी शहर का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, उनका कहीं पता नहीं चल रहा। संभालिए अपने आप को। यहाँ क्यों ले आए? ये तो मेरा घर है। पुलिस स्टेशन जाना मुझे पसंद नहीं। तुमने हम दोनों को धोखा दिया है। तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, मैंने तुम दोनों को धोखा दिया, हिसाब बराबर। अरे यार आशीर्वाद दीजिए सर। ए, शादी भी कर ली क्या? ये क्या मेरा कॉलर पकड़ लिया? ये गलत कॉलर है सर, जिसका पकड़ना चाहिए वो तो वहाँ पर खड़ा है। ए, 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 सर यहाँ आकर वैसे ही आधा मर चुका है, और क्या मारेंगे इसे? इस गधे को माफ कर दीजिए। और ये बेचारी सुबह से कितनी मेहनत कर चुकी है, जाओ बहना थक गई होगी, आराम कर लो। चल जो मेरे बॉक्सर्स नहीं कर पाए तूने अकेले कर दिखाया, तू है कौन? मैं आपको ही गुरु मानता हूँ, और आप जैसा ही मशहूर बॉक्सर बनना चाहता हूँ। मैं एक जूनियर किक बॉक्सर हूँ सर। बेटे तूने हमारे घर की इज्जत को बचाया, इसलिए मैं तेरी मदद करूँगा। बोल क्या चाहता है? जब मदद चाहिए होगी तब जरूर आपके पास आऊंगा सर। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अबे ये तूने क्या कर दिया? अबे तूने लोगों की फैमिली नहीं देखी? पूरा परिवार किकबॉक्सिंग जानता है, एक एक का साइज देखा। अबे सब मिलकर तेरी चटनी बना देंगे, इसलिए बोलता पतली गली से निकल जा। तुझे प्यार का मतलब नहीं पता ना, इसलिए। प्यार की बकवास मत कर, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। प्यार का मतलब क्या होता है? खाना खाना, घूमने जाना, और उसके बाद एंड में बिल फटना। पता भी नहीं चलेगा कब सड़क पर आ गया, उसके बाद पेट्रोल के भी पैसे नहीं बचेंगे। वेंकी मुझे तो लगा तू उन दोनों की मदद करेगा, लेकिन तूने तो उनके बाप की मदद की। क्योंकि वो मेरी मदद करेंगे। लेकिन वो कल मिले थे तो आज क्यों पकड़वाया? एक घंटे बाद पकड़वाता तो चाय पिलाते, 5 घंटे बाद खाना खिलाते, 1 दिन के बाद पकड़वाया तो मामला गर्म हो चुका था, अब फायदा होगा किकबॉक्सिंग में। लेकिन ये गलत है ना? प्यार उनका, फायदा मेरा, जंग उनकी, जीत मेरी। उन्होंने दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ले को रख दिया, यही उनकी गलती थी। अबे रुक 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 रुक, वैसे भी तुझे समझना मुश्किल है, अबे इस सब का मतलब कौन समझाएगा हमें? तू भी ना हमेशा कंफ्यूज करता है। एक दिन ये हम सबको मरवा के रहेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा। हेलो जी सर। अच्छा अच्छा ये बात है, ठीक है तो मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ ओके बेटा अंदर चलो। सुनो वहाँ एक फालतू बॉक्सर बैठा है, उसको बोलो उसका बाप बुला रहा है। ठीक है। लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी इतना जल्दी आना, लड़के वालों को अपनी लड़की पसंद आ गई। मुहूर्त निकलवाने को कहा क्या है? बात है। हाँ। मेरी बेटी तो बहुत खुशकिस्मत है। चिट्ठी तू मुझे छोड़कर चली जाएगी? भाभी तो आप भी मेरे साथ चलिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम्हारे भैया का क्या होगा? तू जाएगी ना तो मेरा सरदर्द कम हो जाएगा। देखिए ना माँ जी आपका बेटा क्या बोल रहा है। हाँ बेचारा वो भी मेरी तरह बदनसीब है। क्या कहा आपने? माँ भूख लगी है। लो लाड साहब आ गए मुफ्त का खाना खाने। देखते ही ताना मारना शुरू कर देते हो, बेचारा अभी अभी तो घर आया है। हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती हो, 2 दिन पहले गया था अब लौट रहा है ये, पता है? आज के जवानों को दादी या बूढ़े कहाँ समझ पाएंगे। जबान तो कैंची की तरह चलती है, अगली बार ऐसा किया ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे? कपड़े उतार के बीच रास्ते पर खड़ा कर दूंगा। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी खानदान की क्या इज्जत रहेगी? मैंने तुम्हें कभी बेटे की तरह नहीं समझा, मैं तो तुम्हें दोस्त ही समझता हूँ। अरे दोस्त पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, फिल्म दिखाते हैं, घुमाते फिराते हैं, आज तक इन्होंने क्या किया? मैंने भी तो तुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, तुझे पैदा जो किया है। फिर बताना शुरू कर दिया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेटा चूहे से याद आया, आज तेरे पसंद का केकड़ा बनाया है। ये बेड है, ये लॉन्ड्री की दुकान, कितना कचरा फैलाया हुआ है। तू ना कभी नहीं सुधरेगा। ये क्या है? क्या बात है? ये तो बहुत हॉट है। अरे वाह ये तो बहुत स्मार्ट है, ये बहुत स्वीट है। सही कहा। ये बहुत क्यूट है। चाचू बहुत शाने है। मामला फोटो तक आ गया, मतलब बात काफी आगे बढ़ गई। अच्छा सुनो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब पता है। हम तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक वो हमें आकर नहीं बताता। चिट्ठी ये जहाँ मिली वहीं रख दो। ठीक है पिताजी। केकड़ा कमाल का है। उसकी हाइट क्या है? किसकी? केकड़े की? नहीं नहीं चूहिया की। इतनी पसंद आई? कैसी बात कर रही हो दादी, केकड़ा तो मेरा फेवरेट है, मालूम नहीं क्या कितना भोला बन रहा है। हाँ माजरा क्या है, खुल के बता बेटा। तुम सब लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो
एक मिनट, अरे सुन, किसी लड़की का फोन है, कुछ जरूरी बात करना चाहती है। हेलो सर, मैं अवनी फाइव स्टार फोटो स्टूडियो से बोल रही हूँ। गलती से आपका फोटो समझ के मैंने किसी और का फोटो आपको दे दिया, अगर आप बुरा ना माने तो वो फोटो लौटा देंगे। तो इसमें इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ नहीं सर, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं, प्लीज आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बेटा खाना तो खा के जा। क्या करूं, जल्दी आने को बोल रही हूं। ओहो समझा करो ना माँ, उसने बुलाया और हमारा वेंकी चला गया। बस बस बहुत हो गया। हेलो, ये लीजिए। सॉरी सर, ये लीजिए। इस बार तो मेरे ही फोटो है ना, आप ही चेक कर लीजिए। All right. Thank you, sir. Thank you. एक गुब्बारा कितने का? 5 रुपए सर। अरे अरे अरे, लगता है फिर पेट्रोल खत्म हो गया। हेलो, कौन सा एरिया? नेकलेस रोड। जब देखो तेरा पेट्रोल खत्म होता रहता है और मुझे लाना पड़ता है। अबे तेरी तो जब मेरी बाइक लेके घूमता है तब तो ये नहीं बोलता, और तू तो जानता है मेरा बाप कैसा है। अबे बॉक्सिंग के नाम पर सिर्फ इधर उधर घूमता रहता है, कभी कभी पेट्रोल भी चेक किया कर। अबे लेक्चर देना बंद कर और चुपचाप यहाँ पर जल्दी आ जा, जिसको देखो सुनाता रहता है। भैया भैया, एक आइसक्रीम ले लो ना। नहीं चाहिए बेटा, डाइटिंग पे हूँ, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, एक आइसक्रीम ले लो ना। अच्छा, सच बोल रहा है या धंधा कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, सुबह से एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी। ठीक है, तूने मुझे इमोशनल कर दिया, अपनी माँ का नाम लेके। माँ बहुत जरूरी चीज होती है, ये ले पैसे, उसका इलाज करवा। मुझे फोकट में नहीं चाहिए, एक आइसक्रीम ले लो ना भैया। खुददार बच्चा है, दिल जीत लिया तूने। अरे बॉस, गुब्बारे कितने के दिए? 200 रुपया सर। एक आइसक्रीम के साथ एक गुब्बारा फ्री, अब देख तेरा धंधा मस्त चलेगा, चल शुरू हो जा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आइसक्रीम बची है दीदी, ले लो ना, मैं छुट्टा लेकर आता हूँ। हेलो पूजा, कहाँ है तू? मैं तो पार्क के पास हूँ, तू कहाँ पर है? मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। क्या हमेशा लेट करती है, जल्दी आ। मेरी होने वाली डॉक्टर बहू कैसी है नरसिम्हा? बिल्कुल ठीक है, एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, इसलिए मन लगा के पढ़ रही है। पूजा के डॉक्टर बनने के बाद लंदन में एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आजकल के ये बच्चे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब, मेरी बहन इनसे अलग है। अपनी लड़की समझदार भी होगी ना, तो भी लड़के उसे बहका कर उड़ा ले जाते हैं। क्या हुआ नरसिम्हा, मेरी बातों का बुरा मान गया? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? नहीं नहीं। ये लो दीदी। नहीं नहीं रहने दे, तू ही रख ले। नहीं दीदी, उस भैया के आइडिया की वजह से आज सारे आइसक्रीम बिक गए, लीजिए दीदी। अरे वेंकी, ये ले तेरा पेट्रोल। की जो फिल्म थी ना, बहुत कमाल की थी। सॉरी हाँ, मैं तुझे साथ लेकर नहीं गई, बुरा मत मानना। हाँ खाना लग गया है, जल्दी आओ। वापस आकर पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये क्या भैया, आज मुझसे पहले खाने बैठ गए? बहुत भूख लगी है क्या? स्टॉप, शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, वो भी भूल गए आप? चलो कर लेते हैं। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तीखा लग रहा है। क्या कहा? चटनी तीखी है। आपको तो तीखा अच्छा लगता है ना? नेकलेस रोड गई थी ना। अरे आपको कैसे पता? तुम्हारे साथ कौन था? फ्रेंड। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो पूजा, तुम मुझसे जितना प्यार करती हो उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है, उस भरोसे को तोड़ना मत। अरे अरे अरे, अरे खाना तो खाइए। भूख नहीं है। रहने दो पूजा, कोई फायदा नहीं, तुम्हारे भैया का गुस्सा आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तुम खाना खाओ। सुनो,
सब लोग अपनी अपनी चप्पल गाड़ी में रख दो, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या दादी, क्या बच्चा पैदा किया, मंदिर में भी कंजूसी। अरे वो चप्पल वाले को 10-20 रुपए देने से भिखारी नहीं बन जाओगे। चलो सुनिए, पहले आप अंदर चलिए। ये कितने का है? 15 रुपए। 15 रुपए? मेरे गाँव में 3 आ जाते हैं। पूजा के लिए नारियल नहीं भक्ति की जरूरत होती है। एक दीजिए। मुझे भी एक देना। एक और क्यों, क्या तू भी अंदर आ रहा है? मुझे अंदर आने का कोई शौक नहीं है, भूख लगी है, सोचा एक नारियल खा लूं। अरे भगवान को चढ़ाने से पहले खाया तो पाप लगेगा। आ, उनको चढ़ाने से पहले खाया तो पाप लगेगा, चढ़ाने के बाद जो उसकी चटनी बना के होटल में बेचेंगे तब पाप नहीं लगेगा। तुमने सही कहा, तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गए। चलो ठीक है, चलो पैसे दे दे। आते हैं। भगवान की झोली में 2-3 रुपए डालते हैं और खुद करोड़ों भर भर के मांगते हैं। हे भगवान, धूप कितनी है। रे रे रे, क्या हुआ माजी? इस उम्र में भी कड़ी धूप में नारियल बेचकर घर चलाती है, मना करने पर मानती नहीं है। अब आप ही बताइए क्या करे। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक नारियल मैं बेचता हूँ। तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो बेटा? तकलीफ कैसी, नारियल बेचना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राज तनया, श्री गंग धामेश्वरी दासी भूत समस्त देव वनिता, मोक्ष देत सर्वदा। श्री गणपतय नमो नमः विभव। मामा वो देखो, देखा आपने, वेंकी का बर्थडे है इसलिए हमसे पहले आकर पूजा कर रही है। बहुत फास्ट है। त्रैलोक्य कुटुंबिनी सरसी गंगा वंदे मुकुंद प्रियम। हाय हाय, आप तुम बहुत खूबसूरत हो और आवाज भी सुरीली है। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। साड़ी बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? शॉपिंग मॉल से। दादर से या बैंड्रा से? सैंटा क्रूज से। मेरे बेटे के लिए तुम परफेक्ट हो। एक बार वेंकी के साथ घर जरूर आना बेटा। पूजा क्या कहा? लगता है तुम्हारे भैया आ गए, कोई शुभ दिन देखकर तुम्हारे घर मिलने आएंगे। अच्छा बाय बाय। चलो बाय। नमस्ते। कौन थे ये लोग? मुझे नहीं पता भैया, मिल तो ऐसे रहे थे जैसे बहुत अच्छी जान पहचान है। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। चलो चलते हैं। अरे पूजा तो खत्म करने दीजिए। नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। आ जाओ, नारियल ले लो, मीठे मीठे पानी वाले नारियल, एकदम तरोताजा हो जाओगे। भगवान पे चढ़ाओगे, भगवान खुश हो जाएगा, एक मांगोगे लाख देगा। नारियल ले लो, नारियल। आ जाओ सस्ते नारियल। तू यहाँ क्या कर रहा है? नारियल बेच रहा हूँ। जीन्स पहन के यहाँ पे नारियल बेच रहा है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जीन्स पहनकर मैं नारियल बेचूं या लुंगी पहनकर सोना बेचूं? नारियल खरीदना है तो बोल, नहीं तो जा। ए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, उड़ा दूंगा तुझे। नारियल बेचने पर गोली मारेगा क्या? चल मार मार मार। नरसिम्हा अंकल, नरसिम्हा अंकल। क्या? अरे अजय बाबू, यहाँ कैसे? पूजा यही है ना, उसे मिलने आया हूँ। तुम्हें कैसे पता? उससे प्यार करता हूँ ना, अपने आप पता चल जाता है। वैसे ये लड़का कौन? ये ना, ये मुझसे नौकरी की भीख मांग रहा था, तुम जरा इससे। अरे ऐसे लड़के तो रोज नौकरी मांगते होंगे ना। चलिए चलते हैं। चलो चलो चलिए। कहाँ रखती? यहाँ भी नहीं है। क्या ढूंढ रही पूजा? माँ की दी हुई सोने की चेन नहीं मिल रही भाभी, भैया को पता चला तो चिल्लाएंगे, मुझे डर लग रहा है। अरे यही कहीं होगी, मिल जाएगी। भैया ऑल द बेस्ट। इस तरह मुफ्त का खाने से कुछ नहीं होगा, बॉक्सिंग में जीत के आएगा तो मैं खुद खिला दूंगा तुझे बहुत सारे। आप जरा चुप रहिए, दिल पर मत लेना बेटा, जीत कर आया। चलो चलते। ये किलो है? अगर बीच में ही हमेशा की तरह तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया तो ये काम आएगा। और गाड़ी में ही डालना, पी मत लेना। देखा भाई, पूजा बेटी कितनी टेंशन में, अक्सर प्यार में ऐसी ही बेचैनी रहती है, मुझे मालूम है।
या शायद उसे पता चल गया होगा कि आप उस लड़के से मंदिर में मिल चुके हैं। क्या हुआ पूजा? कुछ नहीं भैया। उस साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो रहता किधर है? ये यही है ना, इसे ही ठोकना है। बॉक्सर है क्या साला? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे ये मौका देने के लिए थैंक्स सर। तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन की बात है वो तुम्हारी काबिलियत पे है। मुझे यकीन है मैं अपने आप को जरूर साबित करूंगा। ऑल द बेस्ट फ्रैंकी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बताओ पार्टी कहाँ दे रहे हो? पार्टी क्यों? क्योंकि इसके सिलेक्शन के लिए परमिशन मिल गई। अरे बाबा, अभी सिलेक्शन की परमिशन मिली है, सिलेक्ट नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो पार्टी मिलेगी। तूने बिल्कुल सही कहा और तूने गलत। भाई यही वो लुक्खा है जो आपसे लड़ने की सोच रहा है। ए लुक्खा, इधर आ। अरे ये कौन है लुक्खा बोल रहा है? ओहो, तुम लोगों को इससे मिलाया नहीं ना? हाँ। ये डायनासोर है अपने जुरासिक पार्क से। चार साल से चैंपियन हूँ मैं, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, इन सब जगह में जीत के आया हूँ मैं। साला मेरे से लड़ेगा तो चला। अगले राउंड में हिस्सा लेने वाले हैं लास्ट ईयर चैंपियन मिस्टर चौहान। साला अंदर आएगा ना तब देखूंगा। ये चल बे चल, ये धमकियां किसी और को देना समझा टकले? पता नहीं किस चक्की का आटा खाता गिंडा। अरे वेंकी सुनना, अगर तू जीत गया तो अपनी पार्टी कंफर्म ना? पक्का कंफर्म। पार्टी नहीं होगी। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। उस लड़की को भूल जा। पापा आपकी लड़की बहुत अच्छी है। चल, क्या कर रहा है? कौन सी लड़की, कैसी लड़की? हमारे भाई की बहन। क्या बात बोला, मुझे लगा भाई की बहन नहीं भाई का बाबा होता है। कैसी बात कर रहा है? मिस्टर वेंकी प्लीज रिंग में आ जाइए। मैं जा रहा हूँ, बाद में तेरे को देखता हूँ। डर के मारे भीगी बिल्ली की तरह भाग रहे हो। जल्दी चल यार, कंपटीशन खत्म हो गया यार। अरे जल्दी कर। सर सर मैं आ गया। आने में इतनी देरी क्यों हो गई? I'm extremely sorry sir। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। You have to prove yourself in front of selection committee। Extremely sorry, I can't help you। बॉक्सिंग मेरी जिंदगी है सर, बॉक्सर बनना मेरा सपना है। अगर बॉक्सर नहीं बन पाया तो मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। एक काम कर, किसी पॉलिटिकल लीडर की सिफारिश लेकर आ जा, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है? भाई उसने हमें किसी गन्ने की तरह चबा कर थूक डाला। वो सबको पीट रहा था तो तू क्या कर रहा था? आपको दिख नहीं रहा भाई, सबसे ज्यादा उसने मुझे ही मारा। ये तो पक्का हो गया कि आपकी बहन के साथ उसका कोई चक्कर है। वो आपकी बहन को जरूर बहका कर ले जाएगा। 30, 35, 40। ए चलो लाइन में खड़े रहो, लाइन में आओ। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते क्या चाहिए बोलो? इंस्पेक्टर बनने के लिए सिफारिश। 1,00,000 कैश लाए हो ना? लाए हो सर। कहाँ से आए हो तुम? कोलाबा से। तो फिर 5,00,000 लगेगा। इतना क्यों सर? अरे वहाँ के लोग बहुत पैसे वाले होते हैं ना, इसलिए। सर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा? बाप रे, लगता है पैसों के बिना यहाँ काम नहीं बनेगा, इसलिए सब लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। अगर ऐसे खड़े रहे तो कुछ नहीं होने वाला सर, थोड़ा सा डिस्काउंट। ठीक है, हवलदार बना देंगे। जी हाँ सर। इधर रख और कल्टी मार। थैंक यू सर। नमस्ते। हाँ बोलो। अगर मेरा ये काम हो गया तो सर 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 होम मिनिस्टर से मिलना। अरे तो ये सब लोग क्या सर्कस की टिकट के लिए खड़े हैं? चल जा लाइन में लग, चल जा। ठीक है सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सब हटो हटो, हमारे सर आ रहे हैं। बेबे बेबे मान, टेक अ होल्ड ऑफ माय लाइफ।
नमस्ते सर। नमस्ते, आज का कलेक्शन कितना है? 5 लाख सर। बैंक में डाल देना। जी सर। नमस्ते मंत्री साहब। बिल्कुल मंत्री लग रहा हूँ ना, लेकिन नहीं, मैं उनका पीए हूँ। तो फिर ये कौन है? ये मेरा पीए। लाइन में खड़ा होकर पैसा भर देना। सर, 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 लाइन में खड़ा होकर पैसे भरने के। मैंने पैसा भर दिया। भर दिया? पैसा भरने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक यू। वी टू लाइक यू। मैं जो भी बोलता हूँ सिर्फ सुनने का, ओवर एक्टिंग नहीं करने का। काम क्या है बता? मैं किकबॉक्सर हूँ सर। तो मुझे मारेगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर, बॉक्सर बनना मेरी जिंदगी का मकसद है। क्या है कि सिलेक्शंस में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, मंत्री साहब से सिफारिश करने को भूलिए ना। 50,000 लगेगा। अरे बाप रे, रिश्वत मांग रहे? नहीं, गिफ्ट समझ के दे दो। लेकिन ये गलत है सर। गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? मुझे सोशल वर्कर समझ रखा है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार समझा है? निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट ऐसे। सर सॉरी सर, माय ईगो हर्टेड, गेट लॉस्ट। सर सॉरी सर, सर सर सर, मुझे बुरा लगा। सॉरी सर, सॉरी सर, सर। तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, इसकी सजा क्या है पता है? क्या है? शाम को इंपोर्टेड स्कॉच बॉटल लेकर मेरे घर आना। गो, कम, वेलकम, साथ में 25,000 कैश लाना। ओके। आहा, वेंकी, एक मामूली पिए का इतना अलीशान बंगला। अरे हाँ, गरीबों का पैसा लूट लूट कर बनाया और क्या। यहाँ पर पार्टी करने में बहुत मजा आएगा। पक पक बंद करो। चीयर्स। कमीनो, मेरे घर को बार बता दिया तुम लोगों ने। आप ही ने तो कहा था शाम को खंबा लेकर घर आने को। खंबा मेरे लिए लाने को कहा था, तुम लोगों को पीने के लिए नहीं। यहाँ बैठा था तू। सब लोग मिलके पिएंगे ना? सब लोग मिलके पिएंगे। तूने पीना शुरू किया तो हमारे लिए घंटा बचेगा। छोटा हाथी है तू। कोई बात नहीं सर, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग लेंगे या लाइट लेंगे? क्या? ए रुक, मैं झुंड में नहीं पीता। पता है 20 साल से सोलो ड्रिंकिंग करता हूँ मैं। सर आप भी ना, आज हम छोटे लोगों के साथ पी लेंगे तो क्या जाएगा आपका? प्लीज ना, प्लीज सर, प्लीज ओके। इतने रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए पी रहा हूँ तुम्हारे साथ, वरना मैं तो हमेशा अकेला ही पीता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों सर? बेसिकली दारू को मैं एंजॉय करता हूँ, दो पे के बाद दारू मुझे एंजॉय करती है। मैं बेकाबू हो जाता हूँ। ऐसा क्या? हुक्कट में पीने में तो कुछ अलग ही मजा है। खरीदने वालों को सजा है। तुमने बिल्कुल सही कहा, उसी में तो असली मजा है। ये तो कुछ भी नहीं है सर, आपको और मजा दिलाने के लिए हम लोग ने तक दिन अधिन का इंतजाम किया है सर। मतलब आइटम सर? आइटम लोग नो क्यों सर, घर में मैडम है इसलिए मना कर रहे हैं क्या? इस एडम के नसीब में मैडम नहीं है। मतलब आप अकेले रहते हो? नहीं रे, अरे वो तो किसी मर्द के साथ भाग गई होगी, है ना सर? कहीं दोस्ताना टाइप तो नहीं है ना? ए, ये सब क्या फालतू बकवास कर रहे हो? मैं बैचलर हूँ, स्टिल अनमैरिड, लव फेल हो गया रे, अनलकी। तूने इसे एंजॉय करना शुरू कर दिया। सर जरा डिटेल में बताइए ना। डिटेल में जानना चाहते हो? मैंने और उसने साथ बिताए हुए सुनहरे पल, गोल्डन डेज। राजेश, आई लव यू। आई लव यू राजेश। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे जैसे लव बर्ड्स। उन दिनों में मैं जिम जाया करता था, तब अंजलि रोज मेरे लिए प्रोटीन शेक लाया करती थी। अरे वाह, क्या जबरदस्त मसल बनाए हैं। मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक लाई हूँ। रियली? हाँ। थैंक यू वेरी मच। दुनिया की हर लव स्टोरी की तरह हमारी लव स्टोरी में भी एक डेढ़ फुटिया विलन था। बदतमीज कहीं के, मेरी बेटी को छोड़ दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सर, मैं अंजलि के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। अंकल, पानी के बिना मछली एक बार जिंदा रह भी सकती है, पर मैं अंजलि के बिना बिल्कुल नहीं। बकवास मत कर और अपना ये नाटक बंद कर। मेरी बेटी की शादी एमएलए से तय हुई है और अगले हफ्ते उसकी शादी उसी से होगी। बस शादी में खाना खाया और डकार मार के आ गए। उसके बाद अंजलि मुझसे दूर नहीं रह पा रही थी, इसलिए अपने पति के पास मुझे पीए की नौकरी दिलवाई। मेरी अंजलि ने, अंजलि
मेरे अंजलि की कितनी तारीफ करूं, वो गुलाबों से बनी जलेबी थी, जरा उसे देखो कितनी खूबसूरत है। हम दोनों जैसे विस्की और सोडा की तरह मिलजुल कर रहते थे। देखो मेरी अंजलि को, देखो आँख खोल कर देखो। आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि, अंजलि। साला ये प्यार का चक्कर दुनिया में किसी को नहीं छोड़ता है। अंजलि मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आ गया? जरूर दारू ने लोचा किया। दो राउंड के बाद दारू ने मेरी वाट लगा दी, लगता तो ऐसे ही है। ये उठ रहे, ये क्या लॉ समझ के रखा है क्या? टल्ली होकर सारे सो गए कमीने हैं? रात को नशे में मैंने क्या क्या बक दिया? हाँ ठीक है, इतना डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है, अब दबा हो जाओ यहाँ से। अच्छा सर, फिर से ऐसी मस्त वाली पार्टी? पार्टी वाली कुछ नहीं, चल दबा हो जाओ यहाँ से। सर लेकिन मेरी सिफारिश। चल निकल, कल ऑफिस में आके मिल लेना, चल निकल। साले का बीपी बढ़ गया। सॉरी अंजलि, कल दारू के नशे में मैंने अपनी लव स्टोरी लीक कर दी। ये अंजलि कौन है सर? जरा सामने आ, क्या पूछा? अंजलि के बारे में। अंजलि के बारे में, अंजलि के बारे में जानना है, चल चल जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। पता नहीं कल रात को नशे में मैंने क्या क्या बक दिया। हे रामा, हे कृष्णा। अरे ये क्या बेटे, सुबह सुबह तुमने अपनी दारू की दुकान खोल दी? सुबह सुबह नहीं, रात से ही पी रहा हूँ। मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जा रहा है? लेकिन तू तो 10वीं फेल है। मैं पूजा डार्लिंग से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन बेटा फुल टाइट होके जाना गलत है। शट अप, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे टोका नहीं, तू कौन होता है? बेटा मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, तेरा भला चाहता हूँ। ओहो, मतलब तू भी मेरा बाप है क्या? देखो बेटा, होड़ी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, भले ऊपर हो या नीचे, दाएं हो या बाएं, दर्द तो एक ही होता है ना। बेटा बेटा है, फोड़ी फोड़ी है। है? क्या सुबह सुबह फोड़ी का भाषण दे रहा है? बाय मम्मी। हाँ हाँ। अंजलि अंजलि अंजलि, दिल के नवल फूल का बिल्ली। अंजलि अंजलि अंजलि, मेरे से पुल। अब और कब तक मेरे लिए कुंवारे रहोगे? कोई सेकंड हैंड लड़की देखकर शादी कर लो। नहीं अंजलि नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह कुंवारा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख सकता हूँ अंजलि। राजेश, डोंट टच मी, डोंट टच मी अंजलि, तुम छूती हो तो। नहीं क्यों, नहीं। क्या कुसुर पुसुर हो रही है? कुसुर पुसुर कुछ नहीं है सर, मैडम पूछ रही थी कि एमएलए की कुर्सी एमएलए की बीवी को कैसे मिलेगी। मैंने कहा वेरी सिंपल, पति के मरने के बाद बीवी को मिल जाएगी। फोकट की सलाह बहुत हो गई, अब चलो चलो मेरे साथ। जल्दी आ जा, चल। हाँ सर। अब तुम राउडी शीटर नरसिम्हा नहीं, एमएलए कैंडिडेट नरसिम्हा हो। अपोजिशन पार्टी वाले हमेशा हमारी गलती का जंगली कुत्ते की तरह इंतजार करते रहते हैं। 2 महीनों बाद इलेक्शन आने वाले, इसलिए अब तू गांधी जी की तरह शांति बनाए रखना और अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाना। जैसा आप कहें सर। सर सर क्या है, ससुर जी कहो। ठीक है ससुर जी। आखिर तुझे सिफारिश मिल ही गई, कम से कम इस बार टाइम पे आके पार्टिसिपेट करना। जरूर आऊंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? कौन है ये लोग? अबे ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। क्या कहा, तुम इससे मिल चुके हो? हाँ। लेकिन तू और ये एक नंबर का पागल है सर। इस मैगजीन में किसी को भी चुल्ले में तेरे लिए सेट कर दूंगा, कोई भी लड़की, लेकिन मेरी बहन पूजा को भूल जा। क्या सेट कर देगा? तू दलाल है क्या? अब इसी को बोलते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला दल्ला। मैं यूं ही डर रहा था, ये तो टटपुंजिया निकला। सोलो मुझे दलाल बोलता, एक मिनट रुको, मैं ठोक दूंगा साले को। अरे छोड़ो मेरा हाथ। होम मिनिस्टर की बात भूल गए, आपको कोई लफड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर आके एमएलए बनने के बाद सबसे पहले इसी को उड़ाएंगे। हां ए, गोली मार दूंगा तुझे। अबे चल निकल यहाँ से, सुबह सुबह पका मत, गोली मार देगा, पागल घने से लगता है। ये पूजा कौन है? मुंह बंद कर, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। बात बात पर बंदूक निकालता है, पूजा का नाम लेता है, उससे ना मिलने की धमकी देता है। लगता है इसे कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कोई और समझ रहा है।
मुझे बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता यार। तू भी ना एकदम बोर है, बर्थडे सेलिब्रेशन में बहुत मजा आता है। क्या हुआ? हाय। ओ, हम लोग यहाँ पर क्यों आ गए? तुम इन लोगों को जानती हो क्या? अरे तुझे पता नहीं, ये एक बहुत बड़ी मेंटल फैमिली है। अब देखना कि ये मेरे पास आके कैसे बर्ताव करते हैं, देखना। पूजा कैसी हो बेटा? अरे बिल्कुल ठीक तो लग रही है। ऐसे अचानक यहाँ कैसे आ गई? हमें सरप्राइज देने ना। बर्थडे केक ऑर्डर करने आई। बर्थडे किसका? पूजा का। जाकर केक बनवा। एक जबरदस्त केक अभी बनवाता हूँ, एक स्पेशल केक। तुमने हमारा घर नहीं देखा ना, चलो दिखाती हूँ। अरे नहीं अभी नहीं। गौतम बताओ वो लड़की कौन है? मेरी होने वाली केक बहुत स्पेशल बनाओ। नहीं केक स्पेशल बनाओ, खुशी के मारे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारा किचन दिखाती हूँ, आ जाओ। रुकिए ना। कौन है? अरे नमस्ते, तुम पूजा हो ना? कैसी हो बिटिया? मैं पूजा, तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ, चलो। अरे एक मिनट, ये मेरा रूम है, कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हो? अरे इसलिए दिखा रहे हो? ओ इसे उसका रूम देखना है, उसका रूम, समझ गई ना? अरे चिल्ला क्यों रहे हो, पेट्रोल खत्म हो गया, अभी लेकर आ रहा है ना मेरा दोस्त। हेलो हेलो भैया, कहाँ हो तुम? यहीं पे। क्या के पेट्रोल खत्म हो गया ना, तो कुआं खोद रहा हूँ, अभी डीजल तक पहुँचाऊँ, धीरे धीरे पेट्रोल भी आ जाएगा। कहीं पे भी हूँ, तुझे क्या है? घर पे बर्थडे गर्ल आई है। अरे तो उसको बेटा केक खिला, वेफर खिला, मैं क्या करूँ उसमें? चल फोन रख, रख। इसे बात करने की तमीज ही नहीं है, तुम बुरा मत मानना, वैसे वो इतना बुरा नहीं है। ये तो पूजा को पता होगा। ये लो केक रेडी। थैंक्स, ये लीजिए। कैसे? ऐसे टुकड़ों में क्यों? सब एक साथ एक ही बार हिसाब कर लेंगे। ये लो बेटा, ये लो। मैं चलती हूँ, बाय। आज जाकर मुझे सुकून मिला, पहली बार तुम्हारे भाई ने कोई अच्छा काम किया है। ये लड़की उसके लिए अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, ये वो तो इसकी जान है जान। पूजा कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही है? पूजा यहीं कहीं होगी और क्या। ये लो वो आ गई। ये क्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैं केक लाने गई थी। हैप्पी बर्थडे पूजा। hey, ये केक वहाँ टेबल पे रख दे। तुम खूबसूरत हो। जाओ तैयार हो जाओ। तुम भी जाओ। मैं बस अभी आई। कैसा है केक? भाई केक की क्या जरूरत है, ऐसे बर्थडे बनाएंगे ना। गोली के बिना बंदूक और केक के बिना बर्थडे की कोई कीमत नहीं रहती है। अरे भाई सुनिए तो, अबे जा रहा हूँ भाई। इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। नरसिम्हा कहाँ हो तुम? अरे ये केक ऐसे क्यों खा रहा है? ये आपने क्या किया? आपकी सेफ्टी के लिए चेक कर रहे थे, कहीं केक में जहर ना हो इसे टेस्ट कर रहे थे। ना भाई? हाँ भाई। क्या बात है अंकल। एक चुटकी इधर आ। क्या हुआ दीदी? अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें इतना बढ़िया रिश्ता मिला है। हमारी लड़की बहुत खुश नसीब है। अरे हमारा लड़का भी तो खुश नसीब है। मैं अभी आया पिताजी। हाँ हमारा लड़का थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही है। हाँ तो क्या हुआ, हमारा दूसरा लड़का ट्रेन से भी तेज है लेकिन किसी काम का नहीं। यहाँ फंक्शन चल रहा है, मिठाई लाना भूल गया, अब लाने गया। सच्ची तो कह रहा हूँ। सब थोड़ा डालो। आओ बैठो। क्या हुआ? मुहूर्त भी पक्का कर लिया, अब तो तुम खुश हो ना? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात किसी को पता चल गई तो? अरे शादी के बाद सब बता देंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखा है इन लोगों को, इनके बीच क्या चल रहा है किसी को नहीं बताया इन्होंने। तुम तो वेंकी से भी ज्यादा तेज निकली। छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस का। कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? पूजा को केक किसने दिया था? मैंने दिया। साले दो कौड़ी के केक बेचने वाले, तुझे मेरी बहन चाहिए क्या? तेरी तो। कौन हो तुम? तू कौन है बे? इस घर का होने वाला दामाद। जिस दिन तू इस घर में शादी करेगा उसी दिन तुझे चपका दूंगा, ले जा। एक केक की दुकान अपने उस लौंडे से कह देना, मैं सिर्फ एक ही बार चांस देता हूँ लेकिन उसे कई बार दे चुका हूँ। इस नरसिम्हा से पंगा लिया तो सबको जला दूंगा। आइंदा मेरी बहन की तरफ देखा ना, या आस पास नजर भी आए तो खत्म कर दूंगा। चलो आप। पिताजी कौन? पिताजी क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? अरे
कर रहे हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? हाँ, मैं इसे बच्चा ही समझ रहा था, लेकिन पता चला कि ये जवान हो गई है। मैंने क्या किया? छोड़िए ना इसे। किस चीज की कमी थी तुझे? हाँ, क्या नहीं दिया मैंने तुझे? बचपन में बिना पूछे खिलौने ला कर देता था तो तू हंसते हंसते खेलती थी, बिना पूछे कपड़े लाता था तो तू खुशी खुशी पहनती थी। अब बिना पूछे तेरी शादी करवाना चाहता हूँ तो वो तुझे मंजूर नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसी भरोसे की वजह से मैं चुप था। जिस दिन तूने गलत किया उसी दिन तुझे थप्पड़ मारा होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे लगा कि हम दोनों का खून एक है, इसलिए एक न एक दिन तू समझ जाएगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा काम करेगी। एक बार मेरी बात तो सुनिए भैया। बस करो, पहले ही तुम पे भरोसा खत्म हो चुका है। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे ही खत्म कर दूं। जाओ जाओ जाओ। आप भी ना। पूजा पूजा सुनो तो। चाचू चाचू, ये सब क्या है बेटा? कुछ गुंडों ने आकर दादाजी को मारा। पिताजी, ये सब किसने किया? विश्वास नहीं होता, तेरी वजह से तेरी बहन की शादी टूट गई। हम दोनों आज तक दोस्तों की तरह रहते आए, इस पर मुझे गर्व था बेटा। जब भी तुम कुछ गलत करते तो मुझे लगता कि आजकल के बच्चे बस ऐसे ही होते हैं, लेकिन तूने हमारे घर की इज्जत को आज मिट्टी में मिला दिया। लेकिन पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। तेरा बाप आज मर गया। पिताजी, माँ ये सब बस अब बहुत हो गया। वेंकी, हमें उस नरसिम्हा की बहन नहीं चाहिए। उस नरसिम्हा की तो भैया, तेरा बाप आज मर गया। चुप रहिए, हमें उस नरसिम्हा की बहन नहीं चाहिए। प्यार में धोखा खाया या एग्जाम में फेल हो गई? ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्या खुदकुशी करते हैं? वैसे आजकल ये फैशन ही बन गया है, खुद तो मर जाते हैं, बाकियों के बारे में एक पल भी नहीं सोचते कि उनपे क्या बीतेगी। माँ बाप दोस्त यार सबको छोड़ के चले जाते हैं। मेरी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उस हिसाब से मुझे 10 बार खुदकुशी करनी चाहिए, लेकिन मैंने की नहीं ना। ओए हेलो, कहाँ जा रही हो? कहाँ? तुमसे मतलब? इधर से तो चली जाओगी, फिर ट्रेन या बस के नीचे आके मर जाओगी। कल अखबार में खबर छपेगी, एक सुंदर लड़की ने खुदकुशी कर लिया, और मैं सोचूंगा अरे उस लड़की की जान मैंने बचाई क्यों नहीं। ये बात मुझे जिंदगी भर खाती रहेगी। ये सब सदमा मुझे नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुझे देख लेंगे। ऐसा मत करो प्लीज। ओए कौन है? तेरा पास ही आ रहा था। तुम टेंशन मत लेना, ये सलाह पागल है, इसके साथ पुराना हिसाब चुकता करना है। भैया पूजा? हा? क्या हुआ बच्चों, भाग रहे थे? कहाँ भाग रहे थे? रुक क्यों गए, भागो ना। भैया भैया बात तो इधर आ।
साले को। ए, रुको रुको, पहले मुझे कुछ बात करनी है। देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं इसके साथ भैया भैया मैं उसे नहीं जानती, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ पहले मेरी बात सुन ले, तेरी बहन और मेरे बीच कुछ नहीं है, समझा? ए, 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 बात करने दो। भैया मेरी बात पर यकीन कीजिए भैया। गोली मार दूंगा, ये ले मार दी। तू कर रही है, पागल हो गई क्या तू? हाँ, सब कुछ छोड़कर उस केक वाले के पास जाना चाहती है, शर्म नहीं आती तुझे? भैया मैं उसे जानती तक नहीं। अच्छा तू उसे जानती तक नहीं, यही ना? हाँ। तो अनजाने में ही उसके साथ नेकलेस रोड पे आइसक्रीम खा रही थी तू, अनजाने में ही उसके घर से केक लाई थी तू, और अब अनजाने में उसके साथ भाग रही थी तू। ये सब झूठ है भैया। ये झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। और अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारी शादी होम मिनिस्टर के बेटे के साथ तय कर दी, अब तक तुम पे भरोसा था इसलिए नहीं बताया था, अब एक भाई के हक से बता रहा हूं, ये बाहर गई तो तेरी खैर नहीं। हमने गोली को निकाल दिया है, अच्छा हुआ गोली बाएं तरफ नहीं लगी। ही इज आउट ऑफ डेंजर, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ऐसे मत रो पूजा, कब तक रोती रहोगी? दो दिन से तुमने कुछ खाया भी नहीं, अब रोना बंद करो। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, मैं तो उसे जानती तक नहीं, पता नहीं भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई नमस्ते। आओ नरसिम्हा बैठो। अंजलि इसे भी खाना परोसना। जी अभी परोसती हूँ। इस महीने की 20 तारीख से मेरी दिल्ली में मीटिंग्स है, 15 तारीख से पहले मुहूर्त निकालने को कहा था लेकिन पंडित जी कहते कि कोई मुहूर्त है ही नहीं। इसमें पंडित की क्या जरूरत है भाई, आप जो डेट फिक्स करेंगे वही अच्छा मुहूर्त होगा, क्यों? देखा नरसिम्हा जी आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, जरूरत पड़ने पर ये ग्रहों का स्थान भी बदल देंगे। थोड़ा पानी पीकर आता हूं सर। हेलो राजेश, तुम खाना छोड़कर क्यों आ गए? भूख नहीं है अंजलि।
तुम अब तक मुझे भूले नहीं हो ना? कैसे भूल सकता हूँ अंजलि, छोटा बच्चा कभी रोना भूल सकता है क्या? मैं भी वैसा ही राजेश। अंजलि, ऊपर वाले ने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों? कभी कभी ऐसा हो जाता है राजेश। यस, मैं जानता हूँ अंजलि। कोई बात नहीं राजेश, कम से कम अगले जन्म में हम दोनों एक हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता अंजलि। क्यों? ये कुत्ता वहाँ भी आ जाएगा। हाँ? ए राजेश, आ रहा हूँ। सर देखा कैसा भौंक रहा कुत्ता कहीं का। बोलिए सर। आने वाली 16 तारीख का मुहूर्त निकला है, शादी एकदम धूमधाम से होनी चाहिए। ठीक है सर। मीडिया, सारे चैनल वाले, पूरा स्टेट आना चाहिए। यस। ये खुशखबरी मैं पूजा डार्लिंग को देना चाहता हूँ। अरे उसी का फोन है। उसने मेरे दिल की बात सुन ली। फोन दीजिए। एक मिनट रुको। हाँ बोलो पूजा। पूजा नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूँ। सुने, एक मिनट। तेरे हिसाब से मैं ही तो तेरी बहन का प्रेमी हूँ, इतनी जल्दी भूल गया कमीने? ए, तू अभी भी जिंदा है कमीने? तेरा हिसाब चुकता करने के लिए अभी भी जिंदा हूँ। मैं बोलता रहा कि तेरी बहन और मेरे बीच कुछ नहीं है, फिर भी तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। इस बार सच में तेरी लाडली को लेकर जा रहा हूँ। सॉरी, उसे भगा के लेके जा रहा हूँ। जो उखाड़ सकता है उखाड़ लेना। सुन 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 अंकल। हाँ क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, पूजा का बाथरूम में फायर फिसल गया था, गिर गई थी। मेरी डार्लिंग बाथरूम में गिर गई। अरे जल्दी चलिए। नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पापा से कहता ना, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ चलता हूँ, चलता। अच्छा ठीक है अंकल। क्या हो रहा है, चड्डी में कॉकरोच घुसा गया? तू पागल है क्या? शहर के सबसे बड़े गुंडे की बहन को उठा ले आया, जो होम मिनिस्टर के होने वाली बहू है। अगर पकड़े गए ना तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। गुस्से में मैं इसे वहाँ से उठा कर तो लाया, पर अब रखूंगा कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे एक जबरदस्त जगह पता है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहा है? हाँ कहाँ पर? हाँ ये क्या, मैंने कहा था ना यहाँ ताक देता दिन करना मना है, फिर यहाँ क्यों आए? रुको रुको रुको, बेडरूम कहाँ पर है? बेडरूम ठीक है, बेडरूम उस तरफ है। अच्छा चलो चलो। ए ए ए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये अच्छा नहीं है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अरे अंधे हो गए क्या? दिखता नहीं क्या? सॉरी धीरे बात कीजिए। पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अब बाहर चलो। ए ए ए, मेरे को बाहर घसीटता है तू? जानता नहीं मैं कौन हूँ? ये घर है, कोई चिंदी लॉज नहीं है। सर 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 सर, वेंकी एक बार हाँ कबड्डी खेलने पूना गया था। कबड्डी खेलने? पर ये तो बॉक्सर है ना? हाँ बॉक्सर है सर। वेंकी एक बार बॉक्सिंग के लिए पूना गया था, वहाँ उसने एक लड़की की जान बचाई और फिर उसी लड़की से इसे प्यार हो गया। अब उसी राक्षस से बचने के लिए आपके घर आया सर। ये कहानी कहीं सुनी हुई लग रही है। अभी अभी तो सुनी ना सर। हमें पता चला कि आप लव गुरु हैं, आप प्यार करने वालों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ सर। लव गुरु सपोर्ट, ये कोई पिक्चर का नाम है क्या? अंजलि 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 ये गाने का नया रिमिक्स है क्या? आपका प्यार तो मिनिस्टर के पास गया, इस बिचारे का तो प्यार मिले। आ? ये कहानी कैसे पता चली? आप ही ने बताई थी सर, आपने कहा था कि अंजलि बेबी से आप बहुत प्यार करते थे। लगता है दारू के नशे में सब बग दिया। हाँ सर, अंजलि के लिए बनाया हुआ ये ताजमहल और इसकी दीवार पर लिखा हुआ उसका नाम, हम कैसे भूल सकते हैं सर, कैसे? तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं सर, हमारी प्रेम कहानी की मदद करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा तो फिर हम मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। चलो रुको, ओके मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज हेल्प मी। शायद उसे पता नहीं है मैं मदद करने वाला हूँ, इसलिए हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। चलो उसे बता दो। दरवाजा खोलो प्लीज। इसकी आवाज से लग रहा है कि ये घबराई हुई है। वो क्या ना सर, कि वो बाइक से गिर गई, उसके दिमाग पे चोट लगी और वो सटक गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो पागल हो गई है, नरसिम्हा को अपना भाई बोलती है, जयललिता को आपकी बीवी बोलेगी, पागल हो गई है सर। ना 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 ना, आई डोंट बिलीव दिस, मैं खुद चेक करूंगा। मिस सर मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। कौन हो तुम? नरसिम्हा की बहन हूँ। मतलब होम मिनिस्टर की? होम मिनिस्टर की होने वाली बहू। कन्फर्म। इसका दिमाग सटक गया, ये पागल हो गई है। आई एम सॉरी बेटा। कोई बात नहीं सर। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक बार फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। हेलो। नमस्ते सर, मैं होम मिनिस्टर का पीए राजेश बोल रहा हूँ सर। बोलिए। आपकी बहन घर पर ही है ना सर? ए, तू क्यों पूछ रहा है? अजय बाबू ने पूछने के लिए कहा था। पूजा कर रही है, पूजा। कंफर्म? हाँ हाँ कंफर्म, मेरी आंखों के सामने पूजा कर रही है, बिल्कुल बोल। ओके ओके कंफर्म सर, कंफर्म हो गया। आई एम सॉरी वेंकी, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया, मैं प्यार करके पागल हुआ, तुमने पागल से प्यार किया, नसीब का खेल है, अपना ख्याल रखना। जी अच्छा।
साले सब अंदर छुप गए, उड़ा दो सबको, उड़ा दो, एक भी नहीं बचा चाहिए, समझे? क्यों मेरे घर पे हमला करने के लिए पहुंचा है ना? क्या हुआ, शौक लगा ना? 10-15 चमचों को पीछे लेकर चार लोगों को डरा के दादागिरी करने वाले दो कौड़ी के गुंडे, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरी क्या हालत करने वाला हूँ। तेरे सारे घर वालों को खत्म कर दूंगा। अगर मेरे घर वालों में से किसी एक को भी छुआ ना तो यहाँ तेरी बहन के साथ सुहागरात मनाऊंगा। क्या चाहिए तुझे? बोलने क्या चाहिए? तुझे MLA बनता देखना चाहता हूँ। खोपड़ी में बात नहीं घुसी, अपनी बहन के बगैर तू MLA नहीं बन पाएगा ना। साले मेरे साथ गेम खेल रहा है तू? हाँ गेम खेल रहा हूँ, अब तेरी जिंदगी के साथ खेलता रहूंगा। तू गलती कर रहा है। गलती तो तूने कर दी है, भगवान समान मेरे पिताजी के ऊपर हाथ उठाकर गलती की। मेरे परिवार की रोजी रोटी का सहारा कॉफी शॉप को तोड़कर तूने फिर से गलती की। मेरी बहन की शादी को तोड़कर उसकी जिंदगी बर्बाद की। मेहनत करके बॉक्सिंग चैंपियन बनने के मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया। मुझे गोली मार के तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इन गलतियों को सुधार ले वरना इनकी सजा तेरी बहन भुगतेगी, समझा? हेलो हेलो हेलो, रुको, कहाँ जा रहे तुम लोग? बच्चों ने अनजाने में छोटी सी गलती कर दी तो सजा जरूरी है क्या? अरे उसे गलती समझ के उन्हें सुधारना ही हम बड़ों का बड़प्पन है। अरे रुको, समझते नहीं है? हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। जो कुछ भी हमने तोड़ा है हम नया ला कर देंगे। सुनो, हमने जो जो सामान तोड़ा है उसकी एक लिस्ट बनाओ और नया लाकर अपनी अपनी जगह वापस रख दो, समझ गए? देखिए सब कुछ भूल जाइए बेटी, आपने जिस लड़के से प्यार किया है उसी लड़के से आपकी शादी होगी, ठीक है? ठीक है ना? नमस्ते, चलता हूँ। हाँ फिर मिलेंगे। हाँ तुम लोग जल्दी से लिस्ट बनाओ, सामान लेकर आओ, जल्दी जाओ। ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है खिसक गई है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। सुन लेना उसकी बातें, उसने तुम्हें यहाँ पर किसी भी गलत इरादे से नहीं लाया है। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। वो कोई बुरा लड़का नहीं है पूजा, उसे गलत मत समझना। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, चलो चले। अरे इस पागल लड़के को बाहर क्यों आने दिया? अब कोई खतरा नहीं, इसका दिमाग सेट हो गया सर। दिमाग सेट हो गया? जिंदगी में पहली बार हिला के रख दिया उसने मुझे। ए, साले दिखता नहीं क्या? गलती हो गई साहब। क्या किया यहाँ? गलती हो गई। गलती कैसे की रे? गलती हो गई। मेरी बहन की तस्वीर कैसे गिरा तूने? भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनी भाई, इसे मारने से क्या होगा भाई? पहले उस लौंडे का कुछ करके पूजा बिटिया को लाते हैं, वरना आपकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हाँ अंकल, मैं अजय बोल रहा हूँ। क्या यार, ये क्यों मेरा दिमाग का नहीं कर? अंकल मेरी पूजा डालिंग को फोन दीजिए ना। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। पूजा 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 नहा रही है। क्या नाटक है अंकल, जब देखो बहाना बनाते रहते हो। मेरी पूजा डालिंग से बात नहीं करवाई ना तो मैं घर पे आ जाऊंगा। हाँ अरे आ गई आ गई आ गई। सुनो, अजय पूजा से बात करना चाहता है। पूजा तो घर पर नहीं है। अखबार में पढ़ा था मैंने भी आज। अरे मुझे पता है। सुनो तुम अजय से पूजा बनके बात करो। नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ हाँ और ठीक है बोलना है, बस ठीक है और हाँ बोलना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है। मुझे नहीं, उसे ठीक है बोलना है। अजय बाबू नहा धोकर फ्रेश होकर आई है, लीजिए बात कीजिए। हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हारा अजय। नहा रही थी? अब फ्रेश होकर आई हो तो एक फ्रेश न्यूज बता दूं। आई लव यू, ये है फ्रेश न्यूज। ठीक है तो डार्लिंग एक पप्पी दो ना। ओह ठीक है। ये क्या कब से हाँ ओके ठीक है बोले जा रही हो? समझा अंकल है इसलिए ना। तो एक काम करते हैं ना, किसी लॉज में जाकर प्यार करते हैं। बोलते क्यों बंद हो गए? ठीक है शाम को डिस्को में जाएंगे, रात भर डांस करेंगे, अंधेरे में रोमांस करेंगे। ओके ओके का मेरे घर के बाजू में एक डिस्को है, शाम को आ जाना, मैं वेट करूंगा फ्रेश होकर। लव यू। थैंक यू। क्या कहा उसने? आई लव यू। उसके बाद
पप्पी जी। कुत्ता कहीं कहा? और क्या कहा? शाम को डिस्को आने को कहा है। तुमने क्या कहा? आपने तो कहा था कि हाँ ओके ठीक है बोलो। अरे तूने तो मेरी बात लगा दी। आपका सुना डांस भी करेगी? अरे करना पड़ेगा, जाके तैयार हो जा। ये क्यों खुला रखा है? बंद कर इसे, बंद कर। मैं नहीं जाऊंगी। ये सब क्या नाटक है? अंकल पूजा डालिंग कहाँ है? ये देखो ये रही। हाँ? ये मेरी डालिंग मेरे लिए बुरखे में आई है। इतना भी क्या शर्माना, मैं अभी निकाल देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इसे बचपन से दूध में इज्जत मिलाकर पाला है। शादी से पहले अगर किसी ने देख लिया तो प्लीज 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 प्लीज। वाह अंकल क्या बात बोली आपने। हाँ जी हाँ जी, आप तो बहुत ही होशियार है। मतलब इज्जत को बुरका बना के लाया, क्या बात है। चलो पूजा डालिंग हम लोग डांस करेंगे। चलो, अरे चलो। ले गया ये क्या हो रहा है? चलो डांस करो ना। ठीक है। अरे यार मैं क्या करूं अब। उस कमीने की वजह से भाभी जी को नाचना पड़ रहा है। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। एक बार बुरका निकालो ना। अच्छा सब लोग देख लेंगे इसीलिए ना। चलो अंधेरे में जाके प्यार करते हैं। चलो 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 भाई, वो भाभी जी को खोपचे में ले जा रहे। तो तुम लोग क्यों जले पर नमाज छिड़क रहे हो? जाके कुछ करते क्यों नहीं सालो? क्या पूछे, एक पपी तो ना एक पपी। पूजा डालिंग तुमने फोन पे तो हाँ कहा था, अब हम साइड पे आ गए, अब क्या प्रॉब्लम है? क्या कर रहे हो तुम लोग? इसको समझ के रखा है क्या? पूजा कहीं देख नहीं रही है। वो कहाँ जाएगी? Hey. हाँ, शुक्र है। क्या हुआ? हम सब कितना घबरा गए थे पता है? किस लिए? और ये तो इधर। तुम लोगों को लगा कि मैं भाग गई? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जानते हो अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में भाग सकती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना, इसीलिए रुक गई। ए ज्यादा होशियारी मत दिखा। ओ हेलो, क्या बक रहे हो? क्या करो, झगड़ा मत करो, हम किसी और बात से परेशान हैं। तुम जाओ अपने कान में म्यूजिक सुनती रह जाओ। अरे वेंकी तो इससे क्या डर रहे हैं? क्या जरूरत है? हेलो, चुटकी बजाकर बुला रही वेटर समझ रही है क्या? अगर मुझे यहाँ रखना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। ए शायद भूल गई, ऐसे हम किडनैप करके लाए। एक मिनट रुको। शर्तें बताइए मैडम। पहली, मुझे पप्पी चाहिए। हम में से किसी की पप्पी चाहिए? चुप कर, मेरा टेडी बेयर। ये लो, ये भी टेडी बेयर जैसा ही है। ए छी, मेरे कहने का मतलब है मेरा टेडी बेयर, मेरा पप्पी। ए तू पीछे हट। क्यों मैडम, इसका मतलब तुम हमें पकड़वाना चाहती हो क्या? इससे तो अच्छा तुम यहाँ से भाग लो। दूसरी शर्त, अगले महीने मेरे एग्जाम्स है, तुम मेरे लिए कोई प्रॉक्सी अरेंज करो। तीसरी शर्त, हर शुक्रवार को बिना चूके मैं लक्ष्मी देवी मंदिर जाती हूँ, मुझे वहाँ लेकर जाना होगा। ए किडनैप होकर आई, मेरे दहेज में नहीं आई है तू। अगर मेरी ये शर्तें नहीं मानोगे तो किसी रात को मैं यहाँ से फुर हो जाऊंगी। अरे छोड़ ना, तू भी इतना गुस्सा हो रहा है खाली पकड़। अबे सुन, तू इतनी सी बात को लेकर क्यों परेशान हो रहा है? पंगा लेने से तो अच्छा है कि हम उसकी शर्तें मान लेते हैं। वैसे भी लक्ष्मी देवी का मंदिर इधर नजदीकी तो है। बालाजी और शिरडी थोड़ी कहा कि तू इतना परेशान हो रहा है। वो सब तो ठीक है, पर इसके घर से पपी कौन लेकर आएगा? शायद तो इसका मैं क्या करूं? रख तेरे पास। ये लो मेरे पास है। ए, कौन है तू? दूध वाला हूं, गैस वाला हूं, और क्या? जुबान कम चला। ए, कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? गैस लाए हो मैडम। गैस लाए हो? किसने बुक किया? अब ये यहाँ साइन कर दीजिए मैडम। साइन किस लिए? इतना उदास क्यों लग रही है? गैस खत्म हो गई थी, खाना नहीं बना पाए क्या? गैस की वजह से नहीं, हमारी लड़की नहीं है ना इसलिए। क्यों, स्कूल गई है क्या? अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग गई है, तब से हम उसकी फोटो देखकर रोए जा रहे हैं। किसी के घर पे गैस देने गया था तब शायद देखा था। अरे कैसी है मेरी बच्ची? ठीक से याद नहीं है पर शायद रो रही थी। मैंने पूछा क्या वो मम्मी की याद आ रही, बोली नहीं पप्पी की याद आ रही, उसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती। हाँ ठीक कहा, उसे पप्पी पसंद है, हमें पूजा पसंद है। एक मिनट रुको, ये बात मैं उसके भाई को बताती हूँ, ये खबर सुनकर वो खुश हो जाएंगे। हेलो, घर पर गैस वाला आया जी। ए पागल औरत, फोन रख, मेरी बात तो सुनिए। तुम सर 5-10 मिनट रुक जाओ ना, वो आते ही होंगे, फिर तुम खुद ही उन्हें सारी बात बता देना। नहीं नहीं, लेट हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज 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 प्लीज, प्लीज, प्लीज। जब तक पपी नहीं मिलेगा वो भूखी रहेगी ना। तो एक काम कीजिए, वो पपी मुझे दे दीजिए, मैं जाकर उसको दे दूंगा। वाह क्या आइडिया, मैं अभी लेकर आई। ये लो
रुपया उसे दे देना और पूजा से कहना कि पेट भर के खाना खाया करे। आपको उसका कितना ख्याल है, पर तुम अपना ख्याल रखना। थैंक्स। अच्छा एक बात बोलूं, तुम कोई गैस वाले नहीं हो, तुम तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। वाह, बच गए। थैंक गॉड। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। भूख नहीं है मुझे। आप यही सोच रहे होंगे ना कि पूजा ने खाया या नहीं, आज पूजा पेट भर के खाना खाएगी। लेकिन ये तुझे कैसे पता? अरे वो गैस वाला आया था ना, पूजा ने उसे भेजा था उसके टेडी बेयर के लिए। कब? अभी अभी आपके सामने से तो गुजरा था। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे देख क्या रहे हो, जाके पीछा करो उसका। कमाल है तेरी। हेलो। हेलो वेंकी, कहाँ हो बेटा, घर कब आओगे? मैं ठीक हूँ पापा, आप सब लोग कैसे? मुझे फोन दीजिए, मैं बात करूंगी। वेंकी बेटा, कुछ खाया या नहीं? हाँ माँ, खा चुका हूँ। वेंकी बेटा, नरसिम्हा ने हमारे पूरे घर की मरम्मत करा दी है, तू जल्दी से घर पर वापस आ जा, हम सबको तेरी बहुत याद आ रही है। भैया सॉरी चिट्टी, मेरी गलतियों की वजह से तेरी शादी टूट गई। तू प्रवीण से बहुत प्यार करती है ना, वादा करता हूँ जब तक तुम लोगों का फिर से मुहूर्त नहीं निकलवाया घर में कदम नहीं रखूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, भाई और भाभी को मेरा प्रणाम कहना, अपना ख्याल रखना। सॉरी। किस लिए? मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे सभी घर वालों को जानती हूँ और पता है मैंने तुम्हारा बेडरूम भी देखा है। सच्ची? मुच्ची, बहुत इंटरेस्टिंग फैमिली है तुम्हारी और तुम बहुत लकी हो। मुझे बड़ी फैमिली में रहना बहुत पसंद है, सब लोग साथ में, लेकिन मैं अनलकी हूँ। बचपन में ही मम्मी पापा एक्सीडेंट में गुजर गए और तब से भैया ने ही मुझे संभाला है। ये सब छोड़ो, ये टेडी बेयर और तुम्हारा कनेक्शन क्या है? ये तो मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट किया था, ये जब मेरे साथ रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बात है। सुनो, वो राजेश है ना, पीने के बाद अजीब अजीब हरकतें करता है, कहीं तुम्हारा टेडी चुरा कर ना ले जाए, उससे बचा कर रखना। ए, प्रवीण यहाँ पे काम करता है ना, कहाँ है वो? उसने तो यहाँ से नौकरी छोड़ दी। पूरा शहर छान मारा लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ समझ नहीं आ रहा पूजा को कैसे ढूंढे भाई। कैसी हो माजी? मैं ठीक हूँ बेटा, बहुरानी बहुत सुंदर है। अरे माजी जल्दबाजी में नारियल फोड़ के आरती वारती मत उतारना, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, दो नारियल दीजिए। दो किस लिए? एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। मंदिर ले जाऊंगा कहा था, अंदर आऊंगा ये नहीं कहा था। ऐसा क्यों, तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है। क्या वजह है इसकी? भगवान होता तो मेरे साथ वैसा कभी नहीं होता। क्या बात कर रहे हो, आखिर हुआ क्या था? उन दिनों मैं दिल लगा के पढ़ाई करता था, बैठता लास्ट बेंच पे था लेकिन आता फर्स्ट था, हमेशा फर्स्ट। फिर क्या हुआ? उसके बाद एग्जाम शुरू हुआ, एग्जाम में मुझे पूरे नंबर मिले इसलिए मैं एग्जाम हॉल से बाहर गया। लेकिन क्यों? एग्जाम तो एग्जाम हॉल में ही लिखते हैं ना, बाहर थोड़े लिखते हैं। पेपर में आया था कि गाय पर निबंध लिखो, मैं जल्दी से बाहर गया, एक गाय ढूंढी और उस पर निबंध लिखना शुरू कर दिया। लौटने पर पता चला कि मैं फेल हो चुका हूँ, इसलिए उस दिन से मेरे और भगवान के बीच कट्टी हो गई है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाता। तब तुम कौन से स्टैंडर्ड में थे? सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड में थे और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हो, तब तो तुम्हें चड्डी भी ठीक से पहने नहीं आती होगी और भगवान पे विश्वास की बात करते हो। चलो अंदर। इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बावजूद ये मुझे ही डांट रही है, मतलब मेरी कहानी में कुछ लोचा है? वेंकी जल्दी आओ। हाँ आया, अभी आया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। अपना गोत्र बताइए। पूजा? नाम नहीं, गोत्र बताइए। बताइए। पूजा। भरद्वाज गोत्र। ओम नमो नमः भरद्वाज गोत्र। पागल हो गई हो क्या? चल 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 चल। हे हे, क्या कर रहे हो? पूजा अब तक खत्म नहीं हुई है। अगर उसने मुझे देख लिया होता तो मैं खत्म हो जाता। किसने? तुम्हारे भैया ने। मेरे भैया कहाँ हैं? ये क्या कर रही है, भाई के पैर छू के मुझे मरवाना चाहती है क्या? मैं तो बताना ही भूल गई, मेरी तरह हर शुक्रवार को भैया भी यहाँ पर आते हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं आरती तक नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है चल, रो मत, आरती मिलेगी तुझे।
पूजा खत्म हो गई, आरती ले लो। क्या हुआ भैया, भाभी को देखकर घर की याद आ रही है क्या? नहीं, सोच रही हूँ ये सब हुआ कैसे। अच्छा, तुम्हारे भाई ने आखिर भगवान से मांगा क्या होगा? मुझसे मिलवाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मांगा होगा कि मैं उसे मिल जाऊँ। ये लो भैया। थैंक यू बेटा। ठीक है भैया, तुम किसी की बहन को भगा कर ले आओ तो कोई भाई चुप बैठेगा क्या? अरे वाह, मेरी छाती में गोली ठोक दी थी वो भूल गई क्या? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बॉडी एकदम स्ट्रांग है, कोई और होता ना मेरी जगह तो मर चुका होता। ये सब तुम्हारी फैमिली की वजह से हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? बर्थडे केक दिया, उस पर लिखा विद लव फ्रॉम वेंकी, सबको कंफ्यूज कर दिया। तुम्हें केक दिया, मेरा नाम लिखा और मुझे ही पता नहीं, मेरे पीठ पीछे इतना कुछ चला। बाप रे। वैसे आज मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, इतने सालों बाद मुझे मंदिर में ले जाने के लिए, थैंक यू। किसी भी झगड़े से लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन इस झगड़े से हम दोनों साथ हो गए। लॉजिक चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर तो मैजिक हुआ है। ए, पागल हो गया क्या? क्या हुआ, डर गए क्या? विलन बन के किडनैप किया था बदला लेने, लेकिन आज तो मैं उसकी नजरों में एक नंबर का हीरो बन चुका हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे वो ठीक ठाक लड़का लगता था, पर अब तो मुझे वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। मैं ठहरा छोटा सा बॉक्सिंग करने वाला नादान लड़का, वो कहाँ मैं कहाँ। तुम्हें पता है पापी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक हफ्ता अभी अभी गुजरा है ना, इसमें मुझे वेंकी से प्यार हो गया है। लड़की तेरे बारे में क्या सोच रही है ये मत बता, तू उसके बारे में क्या सोचता है ये बता। ये सच है, अब इसमें कोई शक नहीं। यस, आई थिंक आई एम इन लव विद हिम। यस, वही है मेरे सपनों का राजकुमार। चलो भाई को बताते हैं। पूजा डार्लिंग से नहीं मिले हो ना? चलो मिलवाता हूँ। हाँ चलो, जरूर कोई सड़ेली हो। भाई, बाबू आया है। अजय बाबू। उससे कहता ना मैं घर पे नहीं हूँ। पूजा से मिलने आया है। पूजा डार्लिंग। अरे अजय बाबू, अचानक कैसे आना हो गया आपका? जब भी पूछता हूँ तो आप कहते हो कि पूजा बाथरूम में है, नहा रही है, मंदिर गई है, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। पूजा घर पे नहीं है। सर, क्या हुआ? ये लड़की कौन है सर? मेरी डार्लिंग, मेरी बहन। सॉलिड लोचा हो गया। सर, इस वक्त ये लड़की कहाँ है? मंदिर गई है। कितने दिन पहले सर? कितने दिन का क्या मतलब? मतलब है वो कब गई? अभी गई है वो। अजय बाबू, चलो चलो मंदिर। बाबू, वो मंदिर से सीधा कॉलेज जाने वाली है। आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? पूजा के आते ही आपके पास भेज दूंगा। अंकल, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, पूजा आए तो उसे घर भेज देना। ठीक है ना? भेज दूंगा। चलो चलते हैं। सचमुच मंदिर गई है ना? हाँ, सचमुच मंदिर गई है। ये मुझे कभी पूजा से मिलने ही नहीं देगा। सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है ना। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चलो। कहाँ? डार्लिंग के कॉलेज जाएंगे। मेरे घर के अलावा और कहीं भी ले चलो। डार्लिंग, पूजा, पूजा डार्लिंग। अच्छा हुआ ये मेरी औलाद नहीं है, अगर ये मेरी औलाद होती ना तो बचपन में दूध में फिनाइल मिलाकर पिला दिया होता। कहा ना नहीं हो सकता। हाय पूजा। हाय मेरी बहन। हाय, ये कौन है? ये तो मैं मेम साहब का ड्राइवर है। ये बहुत बड़ा तिकड़मबाज है। तुम इसे जानते हो? हाँ। कैसे? इसने मेरी भी गाड़ी चलाई है। ओ, इसे बहुत एक्सपीरियंस है। गुड गुड। एक्सपीरियंस की छोड़ो, एक्सपर्ट भी है। एग्जामिनेशन सेंटर बदलना है, लेकिन सर मना कर रहे हैं। कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है इसलिए। ओ, रूल्स के खिलाफ? तो जब प्रिंसिपल से वॉचमैन बना है तो वो भी रूल्स के खिलाफ होगा? नहीं नहीं नहीं, बदल दूंगा अजय बाबू। पूजा, देखा मेरा पावर। थैंक्स। पर इसमें थैंक्स वाली क्या बात है, तुमसे मिलने का दिल किया तो चला आया। चलो घर छोड़ देते। नहीं नहीं, अगर भैया ने देख लिया तो समझेंगे कि मैंने आपको ड्राइवर बना दिया। सही कहा, अंकल की नजरों में मेरी बहुत इज्जत है। ये ड्राइवर, मेम साहब को सही सलामत पहुंचा देना। सर बताइए ना मेरा ड्राइविंग कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा चलाता है, सेफ चलाता है। चलते हैं। बाय डार्लिंग। बाय। ड्राइव सेफली। ओके, सेफली। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वेंकी?
अबे चुप, डांस करते वक्त चिल्ला क्यों रहे हो? अबे डिस्टर्ब होता है ना? तुझे डिस्टर्ब हो रहा है? अच्छा हाँ। जरा इधर आ तो। तू डांस करता है क्या? हाँ, लेकिन म्यूजिक के बगैर नहीं कर पाता हूँ। ओह अच्छा, म्यूजिक के बिना डांस नहीं करता है क्या? चलो ठीक है, मैं गाता हूँ तुम्हारा। क्यों नहीं, चल शुरू। आ यारे राजा, आ यारे राजा। म्यूजिक, ओ म्यूजिक, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, म्यूजिक चाहिए। अरे अरे, उसे क्यों मार रहे हो सर? वो तो नादान बच्चा है सर। अरे तू ले, तू ले, ले क्या 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 हो रहा है सर, इतना शोर क्यों? ए आते के बच्चे, तू इधर आ। हां नहीं, तुझे मारूंगा तो मुझे लगेगा। चल खुद को लफा मार। क्या? खुद को मार लफा। और मार, और मार, 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 गिर जा नीचे। चल यहाँ से, मार मार के चट्टी बना दूंगा। वेंकी कहाँ है? अबे ये क्यों? अबे आइए आइए वेंकटेश साहब, वो कुर्सी लाके यहाँ पे रखो। रखो बोला ना, रखो। तू बॉक्सर है क्या कमीने? बॉक्सर है। चल कुर्सी वापस रख। सर, होम मिनिस्टर से आपकी शिकायत कर दूंगा। बुला बुला उस साले होम मिनिस्टर को। आने दे, उसे मार मार के उसको लिटा दूंगा और अंजलि को पप्पी दूंगा उसके सामने। तू आदिवासी है क्या? कौन से जंगल से आए तू? लड़की के सर पे चोट लगी है, मुझे उल्लू बना रहा है। बुला उस लड़की को, बुला। रुकी रुकी, क्या बोली? तू हट रहा है? तेरी सटक गई है क्या? जब से तुम मेरे घर पे आई है तब से मेरी सटक गई है, मेरी सटक गई है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। इज्जत से सच बोलो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? सर, ये सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुंह खोलो तो सबके मुंह में चप्पल घुसेड़ दूंगा। भाई कोपचे पे पड़े रहना। दोनों प्यार करते हो ना? नजदीक आ जाओ। भैया वेंकी, इसे अपने बाहों में ले लो। बाहों में लो बोला। अब चुम्मी दो मुझे। नहीं बस सबके लिए, उसे दे, इसको दो। देता है कि चल तुम्हें दे। ओके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तुम दोनों प्यार करते हो, मुझे यकीन हो गया। मैं चला। सॉरी सॉरी। शादी के कार्ड का डिजाइन बहुत जबरदस्त है। अच्छा, नरसिम्हा को फोन किया? हाँ किया ना, बस आते ही होंगे। सुनिए जी, हमारे परिवार के सबसे प्रिय सदस्य राजेश को ही पहला कार्ड देते हैं ना? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये अपना घर का आदमी है, इसे कार्ड देने की जरूरत नहीं, वेस्ट हो जाएगा कार्ड। सही कहा। नमस्ते संजय जी। आओ नरसिम्हा, आओ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते, बैठो। शादी का कार्ड बनकर आया है, दिखाइए। देखो, कुल मिलाकर 10,000 कार्ड बनवाए, ठीक है ना? कार्ड तो ठीक है, लेकिन क्यों कार्ड्स कम पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी के लिए सिर्फ 10 दिन का समय है और बहुत सारा काम बाकी है। कोई बात नहीं सर, आपको अंदाजा नहीं आप किससे रिश्ता जोड़ रहे हो। हमारे होम मिनिस्टर तो बिना दूल्हे के भी शादी करवा सकते हैं। माफ करना, मैं तो तारीफ कर रहा था, कुछ ज्यादा ही हो गई ना। इट्स ऑल राइट, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। भाई आपको टेंशन में देखकर अपनी भी फट रही है। चुप करके दे कहीं के, तेरी बातों से मेरा टेंशन और बढ़ जाएगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा, उसके दोस्तों को, उसके परिवार वालों को, सबको उठा के लाना, किसी को भी मत छोड़ना। अरे छोड़ क्यों मार रहे हो? हमने क्या किया? सिम्हा से पंगा लोगे तुम लोग? बताओ पूजा कहाँ है? टांगे तोड़ूंगा नहीं तो। अरे रुकिए रुकिए जरा, मुझे पता है वो कहाँ है। All the best. Thank you. All ticket? Thank you. Exam के बाद तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे देख के डर गया क्या तू? तू अब तक मुझे बहुत परेशान कर चुका है। तुझे मारने का प्लान भी बनाया था मैंने, बाद में पता चला कि गलती मेरी है। हालांकि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, गलत फहमियों की वजह से मैं तुम दोनों पर शक करता रहा, अनजाने में बिना मतलब के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी।
देखिए, सब कुछ गलतफहमियों की वजह से हुआ है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। किसी की कुंवारी बहन किसी के साथ घूमेगी तो दुनिया का हर भाई आप जैसा ही बर्ताव करेगा। ये सब भूल जा वेंकी, इन्होंने आकर हमसे माफी मांगी। और तो और, चिट्टी की शादी भी उसी लड़के से पक्की करवाई है। कम से कम अब तो इनकी बहन को इनके पास जाने दे। सॉरी वेंकी, हमें अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन तुम्हारे घर वालों की फिक्र हो रही थी इसलिए सब सच बताना पड़ा। पूजा, मुझसे गलती हो गई। तूने कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश की कि तू मासूम है, फिर भी मैं नहीं समझा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसमें हमारी भी गलती है बेटा। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया, हमें माफ कर दो। नरसिम्हा जी, अब आप अपनी बहन को ले जा सकते हैं। हमारा वेंकी अब आपको तंग नहीं करेगा। चलो वेंकी, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। तूने पूजा को अपने दिल की बात बताई? नहीं बताई। नहीं बताई तो कब बताएगा? कभी नहीं। अबे ओए, अब तक तूने बहुत झटके दिए, बस अब और नहीं। इस बार झटका तो मुझे लगा है। ये क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूँ, जब सबको लगता था हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तब नहीं करते थे, और जब अब प्यार हो गया तो अलग होना पड़ रहा है। हमारा प्यार ना उसके भाई को मंजूर होगा और ना ही मैं अपने परिवार को परेशान करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कभी पूजा से अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा। मेरी बात सुन, एक बार पूजा से बात कर ले। समझने की कोशिश करो, इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। I'm sorry बेटा, आजकल के बच्चे माँ बाप की परवाह किए बिना जो उनके मन में आए वो करते चले जाते हैं बेटा, लेकिन तूने हमारी इज्जत बचाने के लिए अपने ही प्यार की हमारे लिए कुर्बानी दे दी बेटा। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज रोइए। वेंकी, तुमने हमें तकलीफ नहीं दी बेटा, बल्कि हमने तुम्हें तकलीफ दी है। बेटा, हम नरसिम्हा से बात करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हरगिज मत करना माँ। अगर हम दोनों के अलग रहने से बाकी सारे लोग खुश रहते हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। वेंकी, मेरी फिक्र मत कीजिए पापा, मेरे पास आप सब है ना। वेंकी, मेरे बच्चे। मेरा बच्चा। तेरे जैसी चींटी को तो मैं मसल के रख दूंगा। बहुत हिम्मत है ना तुझमें, चला बोट। उठना, डर गया क्या? दिखा कितनी ताकत है तेरे अंदर, चल आजा बे, आजा। ये बैंकी, ये तू क्या कर रहा है? बाकी सारी बातों को भूल जा, मुझे याद देना तेरा लक्ष्य क्या है। जा, मार उस साले को।
वजह से तुम्हारा करियर खराब हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें एक और मौका जरूर मिलेगा और तुम सबके सामने खुद को साबित करोगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आई एम श्योर। देख इस चींटी की ताकत। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आ! आज तो करेगा मेरे क्रोध का सामना। आ! ये था वेंकी का मुक्का। कौशल्या, इस साड़ी में मेरी बहन बहुत खूबसूरत लगेगी। अच्छा, क्यों पूजा? बचपन से लेकर आज तक कभी मेरी पसंद जाने की कोशिश की है तो फिर आज क्यों? मेरी पसंद क्या है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप जो मुझे देंगे मैं वो पहन लूंगी। मुझे माफ कर दे पूजा, जाने अनजाने में तुझे बहुत दुख दिया है। तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। ए, क्या हो गया पब्लिक? मुझे आज एहसास हो रहा है कि अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। देखा पूजा आपसे कितना प्यार करती है। रो मत पूजा। लक्ष्मी, देखो कौन आया। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है, वो सारी बातें भूलकर मेरी बहन की शादी में आइएगा। आपने बुलाया है तो हम जरूर आएंगे। कौवा कितना भी काला हो जाए आखिर में अपने परिवार का ही साथ देता है। आप भी अपनी बहन के प्यार में अंधे हो गए थे इसलिए बस अब। तेरी कहावत भी तेरी ही जैसी है, चुप कर फिर कोई मुसीबत खड़ी करेगा। सही कह रही है। तुझे भी शादी में जरूर आना है समझा? आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ। तेरा होने वाला पति नसीब वाला होगा, लेकिन हम तो बदनसीब हैं। काश हम जो सोच रहे थे वो सच होता। मैं सिर्फ वेंकी की ही नहीं तुम्हारी भी माँ जैसी हूँ बेटा। एक बात पूछती हूँ, जवाब दोगी? क्या ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? चाय बहुत बढ़िया बनी है। पूजा ने बनाई है। ओ। रहने दे बेटा, वेंकटेश नायडू जब जिंदा थे तब हम हर एक घंटे में चाय पीते थे। उनके जाने के बाद तो बस चाय पीना ही छोड़ दिया। इस उम्र में उन्हें याद कर रही है ये तो बहुत बड़ी बात है। इसी को प्यार कहते हैं बेटा। अब हमें चलना चाहिए पूजा, शादी में जरूर आइए। नमस्ते। अच्छा। पूजा, एक मिनट। हाँ
हाय व्यूअर्स, ये है हमारा सीधा प्रसारण होम मिनिस्टर साहब के बेटे की शादी का। जापान से शिफॉन की साड़ियाँ और स्विट्जरलैंड से सारी सजावट मंगवाई है। फेंकता है साला, चोर बाजार से मैं तो सब लेकर आया हूँ। नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे? बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। आपको बता दूं कि इस शादी में मिनिस्टर साहब ने पूरे 101 किस्म के पकवान रखवाए हैं। ये भी झूठ है, सिर्फ 60 वैरायटी है, 101 में एडजस्ट किया। नमस्ते, नमस्ते। दुबई और सिंगापुर से कई सारे बावर्चियों को खास खाना बनाने के लिए बुलाया है। एक और झूठ, बाजू वाली गली से 10 पंटर लोगों को मैंने तो बुलवाया। बड़ा फेको है साला। आइए मैं आपको पूजा से मिलवाती हूँ, चलिए आइए। अजय, या मैन, आखिर पूजा से तेरी शादी हो ही रही है। अरे थैंक यू कांग्रेट्स कांग्रेट्स, तुम लोग आए मुझे अच्छा लगा। ठीक है तो बाहर तेरा हम इंतजार करते हैं। पूजा देखो तो कौन आया है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। पूजा बैठो। ट्रक भर के बकरियां आई हैं, 300 मुर्गियां बनी हैं, यहाँ तो नॉनवेज खाने का मेला लगने वाला है। ये एंकर बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। बकरियां मुर्गियां पिछली बार बाढ़ में बैक रही। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बकरी खाएगा तो बकर गुनिया होएगा, चिकन खाएगा तो चिकन गुनिया से सीधा ऊपर। अंकल आपको पूजा दीदी बुला रही है। गुड इवनिंग सर। आ गए तुम लोग मुफ्त में खाने। सर आप बिना कमाल का जोक मार रहे। अच्छा इतनी बड़ी पार्टी में खंबा कहाँ मिलेगा। हाँ है ना, वहाँ कोने में देखो, वहाँ मिल जाएगी, जाओ। सर आप ही दिखाइए ना। क्या रे, मुझे वेटर समझा। अरे नहीं नहीं सर। सर आपके साथ बैठे बहुत दिन हो गए, चलिए ना। दारू पार्टी और तुम लोगों के साथ? तुम लोगों के साथ पियोगे तो सारी पोल खुल जाएगी। ठीक है सर, तो हम लोग अंजलि के साथ पी लेते हैं। अंजलि को बीच में क्यों ला रहे हो, हम साथ साथ पियेंगे। चलिए। कैसे लुक के ब्रोकर की जिंदगी है सर। किसकी, मेरी? फिर क्या है? आपकी गर्लफ्रेंड से होम मिनिस्टर ने शादी कर ली और वैंकी की गर्लफ्रेंड से उसका बेटा शादी कर रहा है। वो दोनों शाने निकले और हम एड़े। आप में तो हिम्मत ही नहीं है, और अब मुझे तो यकीन हो गया कि आप लुक्के हैं सर। उधर एक जूनियर लवर की जिंदगी बर्बाद हो रही है और यहाँ पर सीनियर लवर को कुछ पड़ी नहीं है। आपका खून नहीं खोलता, आपकी तरह वो भी कुंवारा रह जाएगा। ऐसे जुल्म कब तक सहेंगे सर। नो नो नो, इस शेर को तुम लोगों ने जगाया, अब तो वो गया। तुम हो? मुझे लगा डैडी आए हैं। मैं भी तुम्हारा डैडी हूँ, पर सीक्रेट डैडी हूँ। चुप रहे वरना। तू जिससे शादी करने जा रहा है वो पूजा उस बॉक्सर वेंकी से प्यार करती है। उसकी कहानी मैंने प्यार किया और तेरी मरेगा साला। साले तू सच बोल रहा है क्या? हाँ सच है रे कुत्ते की औलाद। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुझे और तेरे बाप को दूसरों के माल के सिवाय कोई मिलता नहीं है क्या? किसी और का घर तोड़ के शादी करता है साले। तुम बाप बेटे सुधरोगे नहीं, हम कह रहे हैं। पूजा, तुमसे कुछ बात करनी है। देखो मुहूर्त का वक्त हो रहा है, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, नीचे चलो। अब की बार में गई तो कभी लौट कर नहीं आऊंगी वेंकी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरी शादी से खुश हो? इतने सारे लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो वेंकी? मुझे पता है वेंकी, यू लव मी, फिर भी तुम चुप क्यों हो? मुझसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मेरे इतने नजदीक क्यों आए? हाँ आई लव यू वेंकी, आई लव यू, आई लव यू, यू डोंट लव मी। I love you, Vicky. Vicky.
अक्सर लोग दोस्ती को प्यार में बदलते हैं, लेकिन हमें प्यार को दोस्ती में बदलना होगा। तो क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे वेंकी? पूजा, जिन हालातों ने हमें एक दूसरे से मिलने पर मजबूर किया, जिन हालातों ने हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगाया, वही हालात हम दोनों की अब जुदाई चाहते हैं। हम मजबूर हैं पूजा, चलो अब चलते हैं। देखिए डैडी, मैंने कहा था ना आपसे, देखिए। मतलब 20 दिन ये लड़की तुम्हारे पास थी, सही कहा ना डैडी? इस कमीने ने तो पता है, मैं बात कर रहा हूं ना। और पास थी मतलब बहुत पास थी ना। इतने प्यार से पूछोगे तो ये कुछ, तुम बीच में क्यों घुसते हो? ऐसी कड़क लड़की मिलेगी तो कोई छोड़ेगा क्या? अरे डैडी, तेरी बात नहीं कर रहे हैं, उस लड़की की बात कर रहे हैं। फिर बोला बीच में, चल निकल निकल, भाग यहां से, जाओ यहां से। जाता हूं, जाओ। हां जाता हूं। जा बोला ना, ये सब छोड़ो। तेरा गांव कौन सा है बता कमीने? ए सावंतवाड़ी सर। पूरी फैमिली को लेकर वहीं चले जाओ। होम मिनिस्टर की होने वाली बहू 20 दिन तुम्हारे साथ, निकलो यहां से, पब्लिक में पता नहीं चलना चाहिए। अब तक यही है, चल निकल जल्दी। ठीक है, चले जाएंगे। हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। 20 दिन इसके साथ जो खूब मौज मस्ती की, अब दूसरों के साथ मस्ती करने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। गड़बड़ हुई है कि नहीं ये तू नहीं बताएगा, डॉक्टर बताएगा। आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, जब सारे टेस्ट हो जाएंगे तो सच सामने आ जाएगा, तुम्हें ज्योतिषगिरी करने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैडी, आम का रस ये चूसेगा और गुठली मेरे लिए छोड़ेगा। बापरे, अकेले में दोनों ने क्या क्या किया होगा। आप सही कह रहे हैं डैडी, टेस्ट करने के बाद ही इसके कैरेक्टर का पता चलेगा। हे, 20 दिन अपनी बहन को इसके पास भेजकर उसका दलाल बन गया तू। रसना से एक गुठली तो है, चल चल भैया, पूजा को बचाओ। चल भैया, भैया, जाओ जाओ, छोड़ो मुझे भैया। चल तेरी तो, चल।
ना। मिनिस्टर के बेटे की शादी अचानक रद्द हो गई है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई ऐसा राज हो जिससे होम मिनिस्टर साहब की कुर्सी हिल जाए। ओवर टू स्टूडियो। बाय माँ, आता हूँ। बेटा नाश्ता तो करके जा। नहीं, आज मुझे माफ कर देना, मैं कुर्सी के लालच में अंधा हो गया था। मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तुम दोनों के प्यार की वजह से कहीं मेरा ये एमएलए बनने का सपना टूट न जाए, इसलिए सब कुछ किया। जब मेरी बहन को वो घिनौनी बातें सुनाते रहे, मेरा खून गुस्से से खौल रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ करता, तुमने उन्हें सबक सिखाकर मेरा दिल जीत लिया। वेंकी, मेरी बहन से शादी करोगे क्या? एक बार पूजा से पूछ लीजिए, वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। बोलो पूजा, क्या ख्याल है, वेंकी से शादी करोगी? क्या मैंने आज तक कभी आपकी बात को टाला है भैया? हे, और क्या चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मेरे भाई को इतनी अच्छी लड़की मिली, मुझे इसी बात की खुशी है। इधर आ। चल ना यार। अब आगे क्या? हाँ, आगे हनीमून।